ड्रामा आया पाकिस्तान पर, भारतीय पायलट को लौटाने का दबाव, आज पाकिस्तान से वापस लौटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन। वाघा बॉर्डर से पायलट अभिनंदन की होगी वतन वापसी, इस्लामाबाद में भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन अभिनंदन को लेकर आएंगे। अभिनंदन की वापसी से मोदी सरकार खुश, पीएम मोदी ने कहा अभी तो पूरा हुआ है सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट। और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है, तो अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान खान ने किया विंग कमांडर अभिनंदन के रिहाई का ऐलान, कहा तनाव कम करने के लिए फैसला। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। सदी जुबान में इमरान खान ने फिर दी हिंदुस्तान को धमकी, कहा कमजोर समझने की भूल ना करे भारत। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर की बातचीत की पहल, कहा पीएम मोदी को लगाया था फोन। मसूद अजहर को पाकिस्तान ने बताया बहुत बीमार, पाक विदेश मंत्री ने आतंकी सरगना पर कार्रवाई के लिए फिर अलापा सबूतों का राग। भारत पाक तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, पुलवामा हमले पर जताया शोक। पुतिन ने पीएम मोदी को दिया भरोसा, कहा आतंकवाद के खिलाफ जंग में रूस है भारत के साथ। आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पीएम ने रूसी राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर बनी सहमति। बालाकोट में एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान की करतूत, दो दिनों में 35 बार तोड़ा सीज फायर। रजौरी के मेंढर में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक महिला की मौत, छुट्टी पर आया आर्मी जवान घायल। रजौरी में नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, दूर दूर तक सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। जम्मू कश्मीर के दिगवार में पाकिस्तान की ओर से फिर नापाक फायरिंग, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी पाकिस्तान ने बरसाए गोली, सड़क के पास 5 किलोमीटर के दायरे के सभी स्कूल कॉलेज बंद। भारत और पाकिस्तान में तनाव को लेकर सरहद पर सुरक्षा चाक चौबंद, पूरा एहतियात बरत रही है सुरक्षा एजेंसी। अमृतसर के सरहद से सटे गांव में तनाव का माहौल, गांव वालों ने कहा देश के लिए दे सकते हैं जान। गुजरात में सुरक्षा एजेंसीज ने किया आगाह, खुफिया जानकारी के मुताबिक समुद्र के रास्ते पाकिस्तान कर सकता है हमला। खुफिया सूचना मिलने के बाद समुद्री सरहद चाक चौबंद, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के निर्देश। कच्छ बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद, नाविकों को निर्देश, संदिग्ध हालात दिखे तो तुरंत करें सूचित। अमरेली में समुद्री सीमा पर कड़ी चौकसी, नाविकों को संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत जानकारी देने का निर्देश। राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पर भी सुरक्षा चाक चौबंद, सरहदी इलाकों के लोगों ने भरा पाकिस्तान को सबक सिखाने का दम। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी कड़ी चौकसी, सुरक्षा बल कर रहे निगरानी। राजस्थान के पाली में पूर्व सैनिकों ने निकाली तिरंगा रैली, फिर से सरहद पर जाने का ठोका दम। फतेहपुर शेखावटी में पूर्व सैनिकों ने भरी हुंकार, कहा जरूरत पड़ने पर फिर से हथियार उठाने को तैयार। तनाव के माहौल में सख्त की गई ताजमहल की सुरक्षा, पूर्वी और पश्चिमी गेटों पर क्यूआरटी टीमें तैनात। सूरत में एक श्रम शहीदों के नाम कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम विजय रूपाणी और अभिनेता अक्षय कुमार। भारतीय सेना ने बेनकाब किया पाकिस्तानी झूठ, कहा हिंदुस्तान की सीमा में घुसे थे F-16 फाइटर प्लेन। वायुसेना ने पेश किए भारत की सीमा में F-16 के घुसने के सबूत, कहा रजौरी के करीब मिले MRM मिसाइलों के टुकड़े। पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि MRM मिसाइल लेके उड़ सकता है। उस मिसाइल के टुकड़े रजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। वायुसेना के मुताबिक सिर्फ F-16 से दागी जा सकती है MRM मिसाइलें, MiG-21 ने पाकिस्तानी जंगी जहाज को किया था तबाह। एयरफोर्स के मुताबिक पाकिस्तानी जंगी जहाजों ने भारतीय इलाकों में गिराया बम, लेकिन नहीं हुआ कोई नुकसान। पाकिस्तानी फौज ने F-16 के क्रैश होने से झाड़ा था पल्ला, कहा था ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हुए थे अमेरिका में बने जंगी जहाज।
वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में ऑपरेशन पर भी जताया संतोष का हमारे पास मौजूद है जैश के अड्डे उड़ाने के पूरे सबूत। तीन सेनाओं ने किया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस देश को दिलाया हर हालात से निपटने का भरोसा। पाकिस्तान के साथ ताजा हालातों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक सीनियर मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने की माथापच्ची। उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद रहे एनएसए अजीत डोभाल तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने की शिरकत। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद का कबूलनामा कहा चार हिंदुस्तानी प्लेनों ने पार की सरहद। पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने अपनी खिफत मिटाने के लिए एक इलाके में अपनी चीजें ड्रॉप करके ये तासर देने की कोशिश की है कि उसने स्ट्राइक की है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क ठप, भारत ने रद्द किया समझौता एक्सप्रेस, 4 मार्च को चलनी थी अगली ट्रेन। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रविशंकर प्रसाद ने लोगों को सावधान कहा देश को कमजोर करने वाली चीजें ना डालें। जमात इस्लामी पर सरकार ने लगाया बैन आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अरविंद केजरीवाल के विवादित बयान कहा लोकसभा में 300 सीटें पाने के लिए और कितने जवान शहीद करोगे। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना कहा लाशें गिन रही है बीजेपी भारत पाकिस्तान सीमा पर क्यों बनाए हैं ऐसे हालात। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार कहा शहादत पर केजरीवाल ने की बदजुबानी मांगनी चाहिए माफी। जवानों की शहादत पर समाजवादी पार्टी की सियासत रामगोपाल यादव ने कहा सिपाहियों की बलि चढ़ाने की कोशिश कर रही बीजेपी। इस्लामी सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए यूएई पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज और कल अबू धाबी में होनी है ओआईसी की बैठक। ओआईसी में भारत के हिस्सा लेने से पाकिस्तान खफा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दी बहिष्कार के धमके। जम्मू कश्मीर पर सरकार ने संविधान संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी अब एलओसी की तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले पिछड़ों को भी मिलेगा आरक्षण। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। कैबिनेट ने कानपुर और आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी प्रधानमंत्री जीवन योजना को भी हरी झंडी। आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद केंद्र का दोपहर 2 बजे करेंगे दौरा। कन्याकुमारी में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी रोड सेफ्टी पार्क और ट्रांसपोर्ट म्यूजियम का भी करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आज मुंबई और महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज रेल मंत्री जारी करेंगे बुकलेट में 5 साल में रेलवे के विकास कार्य का लेखा जोखा। दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 3 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला 59 किलोमीटर से ज्यादा की है परियोजना। बिहार में महागठबंधन दलों के नेताओं का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप शरद यादव ने कहा भारत पाकिस्तान के हालात पर राजनीति कर रही मोदी सरकार। हाजीपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद का मोदी पर हमला कहा ऐसे हालात में भी राजनीति और रैली में व्यस्त मोदी। झालावाड़ में गहलोत सरकार पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का करारा वार कहा किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करने में किंतु परंतु कर रही है राजस्थान सरकार। मध्य प्रदेश के बैतूल में सीएम कमलनाथ की फिसली जुबान कहा बैतूल कांग्रेस के लिए रहा है कलंकित। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में लगाए गए गटर और सीवर साफ करने वाली आधुनिक मशीन सीवर साफ करने वाले कर्मचारियों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम। दिल्ली के द्वारका मोहन गार्डन में मामूली झगड़े में महिला और उसके 2 बेटों की जमकर पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के पुलवामा में पुरानी रंजिश के चलते युवक की ईंट से कुचलकर हत्या का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में खुलेआम शराब पिलाने वालों पर पूटा मेयर का गुस्सा थाना इंचार्ज को भी जमकर सुनाई खरी खोटी। दिल्ली के बिंदापुर में चोरों ने लग्जरी कार पर हाथ किया साफ तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के सरयू विहार में बोरी में बंद मिला इग्नू की छात्रा का शव डीसीपी ऑफिस के पास रेलवे ट्रैक पर शव फेंककर आरोपी फरार।
दिल्ली के रोहिणी में गुरुद्वारे में चोरी, तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पंजाब के पटियाले में अस्पताल में बिल्डिंग से कूदकर नर्सों ने किया खुदकुशी का प्रयास, 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी नर्स। उन्नाव में कंटेनर की टक्कर में बाइक सवार की मौत के बाद हंगामा, गुस्सा लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीटा। ईमेल के जरिए लोगों से ठगी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का लखनऊ में पर्दाफाश, नाइजीरियन युवक समेत 7 गिरफ्तार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नाबालिग से छेड़छाड़ करता पुजारी कैमरे में कैद, वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समिति ने पुजारी को मंदिर से बाहर किया। बिहार के हाजीपुर में गोवंश से भरा ट्रक पकड़ने पर बवाल, लोगों ने गाड़ी में की जमकर तोड़फोड़। बिहार के बेगूसराय में नवजात को किसी ने मक्के के खेत में छोड़ा, स्थानीय दंपति ने लिया गोद। बिहार के समस्तीपुर में अस्पताल में दवा की जगह इलाकों की शराब बरामद, अस्पताल में किया गया था शराब का अवैध भंडार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर बमबाजी, पूरे इलाके में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग ने लगाई खुद को आग, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के पंजाबी बाग में महंगी गाड़ी चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 30 लाख की गाड़ी 4 लाख में दूसरे राज्यों में बेचते थे। आजमगढ़ में प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी की बस्ती में कचहरी में वकील की गोली मारकर हत्या, अपराधी फरार। रिचनौदा में लिफ्ट देने के नाम पर बदमाशों ने लेखपाल को बंधक बनाकर लूटा, मारपीट कर रास्ते में फेंककर बदमाश फरार। आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी और 2 निदेशक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। संभल में शादी समारोह में गोलीकांड, गोली लगने से कैटरर की मौत। मेरठ में बेखौफ चोरों ने दुकान पर बोला धावा, 45,000 नकद और 25,000 का सामान लेकर फरार। गुरुग्राम के मौनसी जेल में मिले 11 मोबाइल और दर्जन भर सिम कार्ड, जान जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रुक रहे 3 तलाक के मामले, शाहजहांपुर में शौहर ने 3 तलाक कहकर बीवी को घर से बाहर निकाला। यूपी के मिर्जापुर में 9 एमएम के पिस्टल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। इंडिया टुडे 18वें इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आज से सजेगा दिग्गजों का महामंच, सुबह 9:45 पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से होगी बात। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कल पीएम मोदी करेंगे शिरकत, सरकार की उपलब्धियों और कमियों पर पीएम दे सकते हैं जवाब। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जबरदस्त बर्फबारी, तेजी से किया जा रहा है बर्फ हटाने का काम। अशी में भारी बर्फबारी ने एक बार फिर से बढ़ाई मुश्किलें, धरासू यमुनोत्री में सड़क पर फंसे दर्जनों वाहन। देवरिया में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से बड़ी किसानों की मुसीबत, फसल बर्बाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।